शांति, आज 24/2/2024, 24 फरवरी 2024, आज मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हें इन लक्ष्मी नारायण जैसा हंस अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना है। मीठे मीठे बाबा के बच्चे, तुम अभी हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा हंस बना निर्विकारी बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, सभी विकारों से मुक्त संपूर्ण निर्विकारी। प्रश्न है आज की मुरली से, इस ज्ञान मार्ग में तीव्र जाने की सहज विधि क्या है? बाबा के इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने की, बहुत तेजी से आगे बढ़ने की सहज विधि क्या है? उत्तर, इस ज्ञान मार्ग में तीखा जाना है तो सभी विचार छोड़ शिव बाबा की याद में लग जाओ, जिसमें विकर्म विनाश हो जाए और पूरा कचरा निकल जाए। आत्मा में जो विकारों का कचरा पड़ा हुआ है वो पूरा निकल जाए। याद की यात्रा ही उच्च पद का आधार है, इसी से तुम कौड़ी से हीरा बन सकते हो। शिव बाबा की ड्यूटी है तुम्हें कौड़ी से हीरा, पतित से पावन बनाने की। इसके बगैर बाबा भी रह नहीं सकते। तो क्या विधि बाबा ने ज्ञान के हमको बताई कि कैसे इस ज्ञान मार्ग में हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं? तो पहला, सबसे पहले व्यर्थ संकल्पों को भूल, भले ही कर्म आदि कर रहे हैं लेकिन बुद्धि से शिव बाबा को याद करते चलो, जिससे आपकी बुद्धि का कचरा निकल जाए। याद की यात्रा ही उच्च पद का आधार है। अगर बाबा को याद करेंगे, बाबा की याद की यात्रा जितनी बढ़ती जाएगी, जितना ही ड्यूरेशन हम बाबा की याद की बढ़ती जाएगी, उतना ही हमें आने वाली दुनिया में उच्च पद मिलेगा। इसी से तुम कौड़ी से हीरे बन सकते हो, आत्मा से विकार निकल जाएंगे और आत्मा तुम्हारी हीरे समान पावन बन जाएगी। तो क्या करना? बाबा को याद करना। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, इस कयामत के समय पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। इस कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल देनी है, याद में रहकर सारे पुराने हिसाब किताब चुकतू करना है। इस कयामत के समय जब ये पृथ्वी इस धरा पर चारों ओर हाहाकार मची है, ऐसे समय में शिव बाबा को याद करना है। इस पुरानी कलयुगी दुनिया का बेहद से संन्यास करना है। इस कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल कर शिव बाबा की याद में रहकर अपने जो भी हिसाब किताब हैं, जो भी पाप विकर्म हमने किए, उसको चुकतू करना है। दूसरी पॉइंट, मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं, पत्थर नहीं। पूरा पूरा हंस बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। मुख से सदा ज्ञान के रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। पूरा पूरा हंस बनना है, माना निर्विकारी बनना है। कांटों को फूल, कांटों जैसे जिस जिन आत्माओं में विकार हैं, कांटे के समान हैं, वो विकारी हैं, संपूर्ण विकारी हैं, ऐसी आत्माओं को भी फूल समान पावन बनाने की सेवा करनी है। वरदान है आज की मुरली से, सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना को इमर्ज करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा से खुशी व शक्ति मिलती है, लेकिन सेवा में ही वैराग्य वृत्ति भी खत्म हो जाती है। इसीलिए अपने अंदर वैराग्य वृत्ति को जगाओ। जैसे सेवा का प्लान को प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो तब सफलता मिलती है, ऐसे अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। चाहे कितने भी साधन प्राप्त हो, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज ना हो। साधन और साधना का बैलेंस हो तब सफलता मूर्त बन सकेंगे। बाकी साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति, माना अपने कर्म, अपने चलन, अपने संकल्प पर अटेंशन देकर अपनी बुद्धि को बाबा से जोड़ना, देह सहित देह के सभी पदार्थों से वैराग्य लाना। स्लोगन है आज की मुरली से, असंभव को संभव बनाना ही परमात्म प्यार की निशानी है। असंभव को संभव बनाना ही किस चीज़ की निशानी है? परमात्म प्यार की निशानी है। ऐसे ऐसे विकारी आत्माएं थी, बाबा का ज्ञान सुनते 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 संपूर्ण निर्विकारी बन गई और इस ज्ञान मार्ग में बहुत आगे चली गई। तो ये काम कौन कर सकता है? सिर्फ परमात्मा का प्यार ही असंभव को संभव बना सकता है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे, मैं निर्विकारी आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूँ।
एक मिनट के लिए पवित्रता के सागर परम पिता परमात्मा निराकार स्वरूप शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करके बैठेंगे। मस्तक के बीच विराजमान मैं एक जागती ज्योत, परम धाम में महाज्योति शिव बाबा के समक्ष स्थित हूँ। शिव बाबा से अनंत शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में पड़ रही हैं। मैं आत्मा दिव्य गुणों से भरपूर हो रही हूँ। मेरी सोई हुई शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। भगवान ने मुझे सदा जागती ज्योत का वरदान दिया। मैं आत्मा बाबा से शक्तियों का वरदान प्राप्त कर अपने लाइट के शरीर के द्वारा विश्व ग्लोब पर स्थित हूँ। मेरे मस्तक से दिव्य किरणें निकल कर अनेक आत्माओं की ज्योति जगा रही हैं। संसार की सर्व आत्माएं अपनी खोई हुई शक्तियां पाकर धन्य हो गईं। परमात्मा का शुक्रिया कर रही हूँ। सभी आत्माएं 16 कला संपन्न हो रही हैं, विकारों से मुक्त होती जा रही हैं। इस सृष्टि की एक एक आत्मा निर्विकारी बन गई, विकारों से मुक्त हो गई।